हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है केजीएफ चैप्टर 2 ट्रेलर स्पूफ। ये क्या है? यश, संजय दत्त, रवीना, देख के पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ, आप पढ़ेंगे। खून से लिखी हुई कहानी है। मैंने बनाया है अपना। स्याही से नहीं बढ़ेगी, अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। There will be no more tolerance. मेरे पास भी हथियार है। अरे वाह, ये आइडिया। घुस के मारेंगे। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं अपनी KGF लेने। मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे। ऑफर क्लोजेस सून। माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। तो दोस्तों, हम सब ने इस वीडियो को बड़े ही मेहनत से और दिल से बनाया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट करके भी बताइए कि कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो RRR को ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप हमारे इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देंगे। और दोस्तों, 14 अप्रैल हमारे इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन का इंतजार लोग 4 साल से बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं। तो हम लोग तो पिक्चर देखने जाएंगे ही KGF 2, तो आप लोग भी अपने अपने नजदीकी थिएटर में जाके इसे जरूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। टायर पीछे करो। क्या पीछे करो? टायर पहले गिर गया। दौड़ क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, अभी तो सुझा कर सुबह जाकर ले आना।
बेटा टफ होता है, कुछ अंदर चला गया होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा कमाल का बनाया था, बड़ी मेहनत की हुई थी, मैं तो वो देख रही थी कि कितना मेहनत करके इसको बनाया होगा, उसको वो पटाखे यूज करके वो उस टाइप का जो है फाइटिंग सीन क्रिएट करना। और उसके बाद मुझे पता है मेरे को मेरा फेवरेट कौन सा था, जो वो डायलॉग था ना, जो वहां पे वो क्या है वो पोस्टर सा या बोर्ड सा उसके पास खड़े होके भैया कि आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, उस टाइम पे वो बिल्कुल मुझे सीन वैसे का वैसा लग रहा था जैसे वो जो मेन हमारे मूवी के अंदर जो ट्रेलर के अंदर सीन था उससे इतना मैच करना। तो खासकर वो कोट भी उसी रंग का और हेयर स्टाइल भी वैसे, दाढ़ी भी, वो फेस भी थोड़ा अगर आप दूर से देखो तो ऐसे लग रहा था जैसे वो ही खड़े हुए हैं, तो वो मुझे बहुत मजेदार लगा। और जो एंड में ये दिखा रहे थे तो उससे पता चल रहा था कि कितनी बारी टेक रिटेक कर करके बनाना पड़ता है, और कई बार एक ठीक करेगा दूसरे को हंसी आ जाएगी, या एक कर रहा है तो कोई और किसी और ने जो उसमें इन्वॉल्व है वो गलती कर रहा है, जैसे वो बोल रहे थे टायर ठीक तरह रखने को, वो पीछे से जो आग निकाल रहे थे वो धुआं ही अंदर चला गया, पहले तो वो ठीक डायरेक्शन में नहीं निकली आग तो फिर से किया, और दूसरी बार जब किया तो वो धुआं ही, तो खांसी की आवाज आ गई। तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड लॉट्स ऑफ रीटेक्स करके जो है बनता है, पर मुझे देख के अमेजिंग लगा कि देखो कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया था। और गाड़ियां मुझे वो बहुत अच्छा लगा, गाड़ियों को दिखाने के लिए टॉय की सारी जीप्स निकाल के दिखा दी, बोट दिखाना है तो पानी के अंदर वो टॉय बोट लगा दी, बड़े मजेदार था, कमाल बहुत अच्छा था। और ऊपर कोई एयरप्लेन दिखाना है तो टंगा दे, एयरप्लेन टंगा के देखिए, मतलब बहुत ही अच्छा किया है। सिर्फ ये था बजट की प्रॉब्लम थी, तो बजट आपके पास कम है, मगर इनको शूटिंग करना आता है, और ये मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं बट ऐसे उसी एरिया में होंगे कि इनको पूरा बनाना आता है, बहुत अच्छा बना है। फर्क इसमें और जिनमें फर्क सिर्फ पैसे का है, और इन्होंने अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखाई है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई थी, वेरी हैप्पी, मतलब बहुत ही टैलेंटेड हैं, पटाखा वहां से करना और सीन पूरा ऐसा करना, पूरे पूरे टैटू का वो जो जो भी टाइप करना, पूरे बाय ऐसे बनाने, काफी मेहनत लगी है, मतलब बहुत ही अच्छा किया है रिक्रिएट पूरे को। धुआं आ रहा है वहां से, टॉय मतलब जो भी जितना भी किया है एज अ प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा बना है, प्रोजेक्ट वेरी नाइस। और आई होप कि मतलब इसी तरीके से लोग आगे कर करके करके एक दिन मूवी भी बना सकते हैं, जैसे मतलब जैसे आपके फंड आएंगे और आप एक्चुअल करेंगे। उससे क्या होता है कि अभी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ वो लोग हैं जो जस्ट बिकॉज वो एक खानदान में पैदा हुए हैं या उस सिचुएशन में है जिनका पैसा ज्यादा है, वो उस पर कर रहे हैं, उन्होंने कुछ मतलब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप ऑलरेडी आए हैं, आपके पेरेंट्स एक्टर्स हैं, आपके दादा मतलब पेरेंट हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सब कुछ मिला मिलाया, थोड़ा सा इधर आपने बोल दिया, अगर आपकी 10 मूवी फ्लॉप होगी तो भी फर्क नहीं पड़ता, इतना पैसा है, 15वें में तुम मतलब अगर हो गए तब भी आगे चल गए, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी गाड़ी चलती रहती है, कपड़े पहन लो इधर उधर चले जाओ, फोटो में खिंचवा लो, ऐसे करके बिंदास काम चल रहा है, राइट। यहाँ पे ये ट्रू मेहनत है, ट्रू मेहनत है, असली टैलेंट उनकी वजह से आ नहीं पा रहा। अगर ऐसे असली टैलेंटेड लोगों को एक्चुअली आप पैसा दें, उनको बोले तो वो कितनी जबरदस्त बनाएंगे, इसीलिए आप देखते हैं कि सदर्न इंडिया की कुछ मूवीज जो है बीट कर रही हैं सबको, इसलिए बीट कर रही है क्योंकि वो मेहनती लोग हैं जिन्होंने, सभी नहीं मगर काफी वहां से मेहनती हैं जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जो 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 आप कह सकते हैं कि मुंबई में लोगों ने नहीं सोचा उस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो वेरी नाइस वीडियो, मजा ही आ गया देखने में, इट वाज वेरी नाइस। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।